वेलकम टू इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट लड्डू। आप इसको कोकोनट मिठाई भी कह सकते हैं। बिल्कुल दो इंग्रेडिएंट्स के साथ है, बहुत इजी, बहुत क्विक, बहुत डिलीशियस। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके दो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कॉन्डेंस्ड मिल्क। मैंने यहाँ पर एक कप भर के कॉन्डेंस्ड मिल्क का लिया है। आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। घर में कैसे बनाना है इसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर की हुई है। रबड़ी वाली वीडियो में इसको बनाने की रेसिपी भी शेयर की थी, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर इसी देर के लिए हमने पकाना है। इससे ये होगा कि ये थोड़ी सी देर इसको जब हीट लगेगी तो ये बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, थिन। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें दो कप भर के कोकोनट पाउडर डाला है। दो कप, एक कप मैंने कॉन्डेंस मिल्क लिया था, दो कप इसमें कोकोनट पाउडर है। इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये यकजान हो जाए। फ्लेम मीडियम रखी हुई है, सारे प्रोसेस में हाई नहीं करनी है जिससे कि ये जल सकता है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है। चम्मच आप मुसलसल हिलाते रहिए ताकि ये नीचे ना लगे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे अलग अलग है, बिखरा बिखरा सा है। इसको हमने इतनी देर तक बनाना है जब तक कि ये एक फॉर्म में आ जाए, स्टिकी सा हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टिकी होना स्टार्ट हो गया है, आप देख ले। और अब इसको हिलाते हुए भी आपको पता चलेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और जैसे ही ये कुछ इस तरह की फॉर्म्स में आना शुरू हो जाए, स्टिकी हो जाए और ऐसा इसका रंग चेंज हो जाए, यहाँ पर हमारा ये बैटर बनकर तैयार है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। प्रॉपर आप इसको ठंडा होने दीजिए। अगर आप इसको इस तरह से इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये काफ़ी आपके हाथ जल सकते हैं। इसको हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो हाथों को थोड़ा सा मैंने ग्रीस किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे कि बैटर बिल्कुल भी चिपके ना। वैसे ये बैटर इतना चिपकेगा भी नहीं। इसको हमने इस तरह से गोल सी शेप में बना लेना है जैसे कि लड्डू बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सा इसको गोल शेप में डालकर अब मैंने इसके अंदर एक बादाम इस तरह से अंदर डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल लीजिए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से सादा रख के भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको खोपरे में कोट किया है और हमारा लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। बिल्कुल एक टीस्पून मैंने बैटर लिया है, इसको गोल करके इसमें हम एक बादाम की गिरी रखेंगे इसके साथ, इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट करके। इसका बैटर बिल्कुल भी आपको चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे, बहुत अच्छे से शेप बनकर तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से मैं बनाकर बाकी के भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कि बनकर हमारे जितने हमने बनाने थे वाइट बनकर तैयार हो गए हैं। एक सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं आप इस तरह से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बैटर लेकर आप इसमें ग्रीन कलर ऐड कीजिए। मैंने ग्रीन फूड कलर इसमें यहाँ पर शामिल किया है। इसको हम अच्छी तरह से इसमें इसके साथ मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि काफ़ी अच्छा सा कलरफुल सा हो जाएगा, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखकर। और बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसको भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। खोपरे में इसको कोट करेंगे एंड दैट्स इट। हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं, कोकोनट लड्डू, कोकोनट मिठाई। बिल्कुल क्विक है, बिल्कुल इजी है। किसी ने आना है आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। बच्चों बड़ों सबकी बहुत फेवरेट है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है वीडियो। पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।